फिर कह रहे हैं पर की कीता धन बाबा जोरावर सिंह ने अपने पहलों पहर दी जुत्ती जड़ी है नोक जड़ी है बारी दे विचो बाहर कढ़ी ते विच विचकार कचहरी दे जिन्ने बैठे सन अठाई परगणिया दे अठाई परगणिया दे सारे आके मुलाजम बैठे सन सारिया दी नीवियां पै गईयां क्योंकि नीति इन्हां दी सी चुकाउण दी नीति कुछ होर सी पर सारा कुछ ही बदल गया शर्मशार होया ते अंदर पहुंचते सार ही जाके फतेह बुलाइए खान जी जी शब्द वरत्या क्योंकि खालसा पहला किसी नूं बोल कबोल नहीं बोलता है ये मुढ़ कदीमा तो धन गुरु नानक देव साहब जी महाराज ने समझाया जो धन गुरु नानक देव साहब जी महाराज ना सुमेर पर्वत दे उत्ते गए हैं ना ते भाई गुरदास साहब जी का वचन आंदा है बाबा आखे नाथ जी उत्थे नाथ जी शब्द वरत्या सत्कार योग इसे तरह ही साहबजादियां ने जाके कहा खान जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सारी कचहरी जेड़ी गूंज उठी सारी कचहरी गूंज उठी ता सुचा आनंद कहिंदा बच्चो तुसी आनंदपुर साहिबनी सरहंद दी धरती ते हो इत्थे सलाम करो झुके फतेह नहीं बुलाउणी ता धन बाबा जोरावर सिंह जी कहन लगे साडी ता सदा भाई फतेह ही है ये चढ़दी कला का प्रतीत है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलाउणी अज सिख नूं सिख मिले ना इत्थे मैं बेनती करदे आं एक एक सिख फतेह बुलाउंदा दूजा विचाले कह दिंदा फतेह जी फतेह पूरी फतेह बुलाउणी चाहीदी है ते साहिबजादियां ने फतेह बुलाईए तां उत्थे जो सवाल जवाब होए आ क्या गया कि तुहाडे पिता नूं चमकौर दी गड़ी दे विच खत्म कर दिता गया है तुहाडे भरा जिहड़े ने खत्म कर दिते गए ने ते हुण तुहाडा कोई वारस नहीं रहा है हुण तुसी दीन कबूल लो कलमा पढ़ो ते धन बाबा जोरावर सिंह कह लगे सानू तेरे कलमिया की लोड़ नहीं असी पहलों ही कलमा पढ़ चुके हाँ असी बाणी का नितनेम करके आए हाँ सो प्यारो समा भी हुण जिहड़ा अगे इजाजत नहीं दिंदा साडे कोल होर भी प्रचारक ने इत्थों ही आपां अगे विचार जिहड़ी है सरवण करांगे सो मैं बेनती करदे आं कि जिस स्थान ते आपां जुड़ मिल बैठे हाँ ना धन बाबा मोती राम जी दे ये सानू सेवावां जिहड़ियां ने शुरू तो ही सानू प्राप्त होईयां ने जदों नदेड़ दी धरती तो बाबा बंदा सिंह बहादुर चले आना बस एक विचार करके फिर आप समाप्ति करिए क्योंकि नाल ही समय की समाप्ति है दो मिनट बाकी ने जदों बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जदों नदेड़ दी धरती तो तुरे आना ता उस समय जदों पंजाब दे विच आया ते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं इस गल दा इलम सी पता सी कि सरहंद की धरती ते बाबा मोती राम मेहरा जी ने यह सेवा कमाई है ता उस समय जिन्ने मेहरे परिवार सन ना ता बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जदों नगरों के विच चिट्ठियां पहुंचाईयां ने यह सारियां चिट्ठियां जिहड़ियां ने यह मेहरा परिवार नूं यह हुक्म लाया सी यह सेवा लाई सी कि तुसी दूजियां चिट्ठियां ता विआहां दीआं चिट्ठियां ता लैके जांदे हो आओ आपां वड्डी सेवा कमाईए ध्यान नाल बचन सुनियो आओ आपां रल मिल के वड्डी सेवा कमाईए जिथे आपां साहिबजादियां दी शहादत दा बदला लैणा आ उत्थे तुहाडे भरा बाबा मोती राम महरा जी दी भी शहादत होई है आपां उहनां दे परिवार दा भी बदला लैणा आ फिर मेहरे परिवारां ने नाल लंगर की सेवा भी की है जिथे जिथे वह पड़ा करते सन नगरां दे विच चिट्ठियां पहुंचाईयां ने यह बड़ी वड्डी सेवा आ ते इतिहास बड़ा वड्डा आ ते समा बड़ा थोड़ा प्यारे इतनियां कु सेवावां प्रवान करनियां
ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਫਤਿਹ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਸਕਾਮ ਸੇਵਾ ਆ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਿਸਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨਿਸਕਾਮ ਸੇਵਾ ਫਤਿਹ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਕਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਫਤਿਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਨਾ ਘਰ ਘਰ ਹੋਵੇ ਧਰਮਸਾਲ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣੀ ਪਈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਰ ਜਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਰੀਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਆਪ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਇਓ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਪਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮਾਨ ਕਰੋ ਤੁਦ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਪੂਲਤੇ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਰਾਮ ਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੈਣ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਗਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੌਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਾਰੇ ਹੋ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਮੇਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ
मिल सदा ही उते लगदे ने। जालमा ने सिखी नू सिख कौम नू खत्म करन वास्ते बड़े अपने उपराले कीते, पर उन्हां दी अज जड़ नहीं लभदी। सिख कौम देशां विदेशां दे विच झंडे झला रही है। सो गुरु प्यारो, एक मेरी बेनती भी आ कि अज आपां शहीदां दी धरती ते आए हां, ते शहीदां दे पूरनियां ते चलन दी जरूर कोशिश करिए। जिहड़े आपां सिखी तों दूर हो रहे हां, उन्हां नू बेनती है कि भाई बाबा मोती राम महाराज जी छोटे साहिबजादियां दे जिहड़े पूरने पाए हुए आ, सिखी तों निशावर हो गए, वेलणे विच पीड़े गए, नीहां विच चिणे गए, पर सिखी नू अपने गले नाल लाया। आओ आपां वी इस पूरनियां ते चलदे होए इस सिखी दे रस्ते नू अपनाइए। सो हुण भाई दविंदर सिंह जी खन्ने वाले जो आप जी नू कथा कीर्तन दे राही इस शफरे शहादत दे प्रोग्राम दे विच संगतां दे नाल सांझ पाण गए। खालसा जी खन्ने वाले, वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ
नानक तिस जन का नानक तिस जन का सदा नमस्कार सदा नमस्कार परवान गणी से ये आए 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 परवान हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नाम परवान गणी से ये आए परवान गणी से ये आए परवान गणी से ये आए सारे जपो परवान सपने तिना के कामा सपने तिना
जन्म मरण दोहूं मैं नाही, जन पर उपकारी आए। सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे से ती राते सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे से ती राते सच्चे से रात सचे से सचे से ती राते सचे से ती राते वाहे गुरु
कौर जी तन माता गुजर कौर जी तन माता गुजर कौर जी तन माता गुजर कौर जी परवान गढ़ी से ये आए परवान गढ़ी बोलो पहनो
ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਹੰਦ ਵੇਖੇ ਉਸਦੀ ਸਕੀ ਪੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਮਾ ਫਤਿਹ ਨੂੰ 10 ਪੋਹ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ 148 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਜਿਸਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਦੀ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਮ ਰਜਾਈਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਮ ਜਾਕਟਾਂ, ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚਿਓ ਡੋਲਣਾ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ 33 ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਨ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਿਓ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ। 11 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਚੁਕਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਣਾ।
इन्हां ने पहले शरारत की सी, वड्डा दरवाजा बंद किया, छोटी बारी चो जदों लंघन लई कहा पैर दे तिले दी जुत्ती दिखाई, जदों जुत्ती दिखा के अंदर लंघे दोनों ने एक दूसरे नू मुखातब होंदिया कहा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कचहरी गूंज उठी। एक कोई आनंदपुर साहब नहीं है, चमकौर साहब नहीं है, सूबे की कचहरी है, इत्थे फतेह का कोई काम नहीं है। हुण दोनों नू लालच देने शुरू किए, तुहानू जगीरां मिलणगियां, अनेक पदार्थ सुखां दे मिलणगे, तुसीं कलमा पढ़ो इस्लाम कबूल कर लो। ते दोनों साहबजादे गर्जवीं आवाज च इक्को गल कहिंदे ने, परी सभा च तुरक ना बने हैं, असी तुरक नहीं बनना, धर्म ना तजे हैं, सी समदे हैं जैसे वड्डे ने दे हैं, असी धर्म का पला नहीं छड़ांगे, मुसलमान नहीं बनांगे, ना अपना धर्म छड़ांगे, ईद नहीं कबूल करांगे, जिवें वड्डिया ने सिर दे देते असी शहादतां दे जाम पीवांगे। दादी मां कोल वापस आए, सारा हाल दसिया दादी मां नूं। हुण अज 12 पोह दी रात है, ते शहीदां नूं किसे रजाइयां दी लोड़ नहीं हुंदी, शहीदां नूं रजाइयां निग देंदियां दादी मां गोद विच लै के धन गुरु अर्जन देव महाराज दा तत्ती तवी ते बैठण दा साका सुना रही है। धन गुरु तेग बहादुर साहब तिलक जंडू दी खातर किवें शहादत दा जाम पींदे ने, इह सारी साखी सुनाई। अज फिर पेशी होणी सी दूसरे दिन, अरदास करके धन धन माता गुजर कौर ने मालक दे चरणां च अरदास कीती, इन्हां दा सिखी सिदक तोड़ नभे, किते डोल ना जाण, आप वरत जाणा आखो वाहिगुरु साहब जी, आ वरत जाना। दूसरे दिन फिर कचहरी पेश होए, हुण सुचानंद कह लग्या तुहानूं अद्धा राज मिलेगा, इतनियां जगीरां मिलणगियां, तुसीं ईन कबूल करो, कलमा पढ़ो, मुसलमान बन जाओ, केस कतल करा लो। ते दूसरे दिन सुचानंद ने यह भी कहा सी चमकौर की गढ़ी तुहाडे पिता धन गुरु ते गोबिंद सिंह महाराज नूं शहीद कर दिता गया है। जदों शब्द धन धन बाबा जोरावर सिंह, धन धन बाबा फतेह सिंह ने सुने, गर्जमी हाज विच दीवान सुचानंद नूं कहण लगे दुनिया दे विच कोई जमिया नहीं साडे पिता नूं शहीद कर सके, कोई नहीं जमिया इत्थे। कहण लगे जी तुहानूं छड्ड दईए, कहिंदे जंगलां जा के सिंह इकट्ठे करांगे, कहिंदे फिर पकड़ के फिर छड्ड दईए, कहण लगे जूझांगे खीरले दम तक सूबे दे खिलाफ, अखीरले दम तक जूझते रहांगे। जदों देखिया इन्हां नूं लालच भी चुका नहीं सके, डरावे भी इन्हां नूं चुका नहीं सके, कचहरी तो बाहर लै गए, उत्थे तीन दुकानां लगियां होईयां सन। पहली दुकान सी खिडौणियां दी, दूसरी सी मिठाइयां दी, ते तीसरी हथियारां दी। आखो वाहिगुरु। धन धन बाबा जोरावर सिंह, धन धन बाबा फतेह सिंह ना खिडौणियां दी दुकान दे अगे रुके, ना मिठाइयां दी, शस्त्रां दी दुकान दे अगे रुके, हथियारां दी, हथ विच छोटी बंदूक पकड़ी, तीर पकड़िया छोटी, जदों बंदूक पकड़ी तीर पकड़े कहन लगे कमाल दे शस्त्र ने। दीवान सुचानंद कहन लग्या वजीर खान नूं देख लिया इहदी हालत की है, सप दे मूंह तिखे हुंदे ने, जमदियां सूलां दे मूंह भन देने चाहीदे ने, सप दे बच्चे सप ही हुंदे हन, इह झूठा आनंद कह रहा। जदों देखिया किसे किस्म दा डरावा ते लालच इन्हां नूं पै पीत नहीं कर रहा, चुका नहीं रहा, इह दूसरे दिन दी घटना है। 12 मोह नूं परी सभा च कहन लग्या काजी जी कोई फतवा दिओ, ते काजी ने कहा शरा दे कानून मुताबक इन्हां नूं कोई सजा नहीं दित्ती जा सकती, इह बेकसूर ने। लाल मसीत किताब राही फिर फतवा जारी किया इन्हां नूं जिंदा नीहां च जन दिता जाए। नवाब मलेरकोटले दा शेर मुहम्मद खान ने उस समय आधा नारा मारिया बाईकाट करके चलाया गया। 13 पोह दा दिन चढ़ना, 12 पोह रात नूं फिर दादी मां सारी रात गुरबाणी दीआं लोरियां सिखिया सिमरन अपनी गोद बिठा के करा रही है। बच्चो अपने पिता की पग उची रखनी, दादे की पग उची रखनी है,
तोड़ निभा मां नूं इको गल कहिंदे किसी शहीद तो होवांगे शीश दे देंगे पर सिदक का पला नहीं छड़ांगे। 13 पोह नूं अज कचहरी लगी तीसरे दिन शासन बेग ते बाशन बेग समाणे दे दो जलाद ने इन्हां दोनों ने हुण इतना चिंडियां शुरू कीतियां ते बाबा अजीत जोरावर सिंह ते फतेह सिंह दोनों जलादां नूं कहण लगे इत्थे सिखी दा पक्का महल उसरना है इट अद्धी ना लायो साबत लायो गोडे दी चाहे चपणी उतार दिओ गिट्टे उधेड़ के रख दिओ इट साबत लगनी चाहीदी है सिखी दा महल उसरना है। गोटे छिणे गए गिट्टे छिणे गए ना दे उत्थे रंबियां तेसियां दे नाल भूचाल आया सात संगत कंध डिग पई निरंकार दी खेड सी जदों कंध डिगी हुण शासन बेग ते बाशन बेग ने अपने पट्टां ते लिया दोनों साहबजादियां नूं ते छुरी लैके साह नली कट के जिवा करके शहीद किया। तन तन बाबा जोरावर सिंह 23 मिनट उन्हां दा शरीर भी श्वास चलते रहे 23 मिनट बाद शांत हुंदे ने। तन तन बाबा फतेह सिंह 12.5 मिनट उन्हां दीआं लत्तां उन्हां दे चरण फरक दे रहे 12.5 मिनट तो बाद शहादत होई ने। समा सी सवेरे 11:45 दा सी। हर साल 13 पोह नूं समुचा सिख पंथ 11:45 तक 15 मिनट लई वाहिगुरु मूल मंत्र ते गुरमंत्र दा जाप करदा है। इह 7 दिन इतिहास दीआं कालीआं रातां हन जो अज शुरू हो चुकीआं। अज आनंदपुर साहिब दा किला खाली करना सतगुरां ने 6 ते 7 पोह दी रात नूं ते कितना औखा समा होएगा दुखा वाला। ते पुरातन समय सिंह इन्हां 7 रातां नूं हेठां सौंदे सी सादा खाणा सादा पहनना हुंदा सी। ते जतन मैं हर साल बेनती करदा अज तो लैके 28 तरीक तक 6 पोह तो लैके लगातार 13 पोह तक इह 7 दिन 5-5 जपजी साहिब दे पाठ घरां च करो। इह शहीदां नूं सच्ची श्रद्धांजलि होएगी जिथे अमृत संचार होवे उन्हां शहीदां नूं याद करदिआं अमृत जरूर छकियो। यतन करो अपने वल्लों इह दोनों काम जरूर करने आ। अज तो असीं नेम बना लो 5-5 जपजी साहिब दे पाठ 13 पोह तक उन्हां सारिआं शहीदां नूं नतमस्तक हुंदिआं इह लाजमी करने असीं अपने वल्लों योगदान पाईए। किसे ने रोमां दी बेदबी नहीं करनी। जे तन तन बाबा जोरावर सिंह तन तन बाबा फतेह सिंह की शहादत नाल प्यार है अज प्रण करके जाओ साबत सूरत रहांगे। एक रोम नू भी बेद छेदना बड़ा वड्डा पाप जे केस गुरु दी मोहर है। ओ ऐसी लांधानी अदुत्ती शहादत नू याद करदे आ अगले शब्द कमें सतगुरु कह रहे ने नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन हो। जिहड़ा ऐसी मौत मरेगा सदीवी अमर पदवी नूं प्राप्त होएगा उसनों कोई मुका नहीं सकेगा वो कदे नहीं जाणगे। नानक ऐसी मरनी जो मरे 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 ता सत जो मरे।
क्या जाना किव मर हैंगे, कैसा मरना होए। क्या जाना किव मर हैंगे, कैसा मरना होए, कैसा मरना होए, कैसा मरना होए। नानक ऐसी मर मनोना विसरे।
साहिब मनो ऐसी मरनी
कोई। कदे न भूलना हम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिखी की नीम है हम सरों पे उठा चले। हिंदी कवि होया मैथिली चरण गुप्ता, उसने बड़े सुंदर गल कही सी, जिस देश या कौम दे बच्चे दे सकते हैं यूं बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो भविष्य है महा महा। जी अज आप उन्हें लाला नूं याद कर रहे हैं, अपने मना चात पाई असी कित्थे खड़े हैं। अज साढ़े बच्चों के संस्कार की बन चुके फिल्मी एक्टरां दियां नकलां, लच्चर पंजाबी गीतां दे बोल अज साढ़े बच्चों की नौजवानों की रस्मां ते ने। अज गंदे गाने, गंदे टिकाने ते गंदे खाने साढ़े जीवन दे विच शामिल हो चुके ने। और गाना शुद्ध करो, टिकाणा शुद्ध करो, अपना जीवन शुद्ध करो। जे उन्होंने याद करो, उन्होंने चरणों से शीश झुकाने आए हो, सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी। अज प्रण करके जाओ, जिथे जिथे भी फतेह टीवी वालों आवाज जा रही है, अज असी प्रण करके जाना। किसी ने जीवन च नशा नहीं करना, अज तो बाद रोमां की बेदबी नहीं करनी, सब सूरत रहना है। पंथ रतन भाई साहब पेशवेश सिंह जी खालसा खंडे वाले कहते, अमृत वेले घट्टो घट 15 मिनट वाहिगुरु का सिमण एक नेम बना लो। जितने परिवार के जीव ने चरणी लाओ, एक एक सहज पाठ साल विच करो। जे 4 अंग रोजाना करोगे साल विच एक सहज पाठ का भोग होंगे। नित नेम 7 बाणियां का लाजमी। जे मन मा छड़ांगे, ऊड़ा ते जूड़ा संभालो, बाणी अते बाणे दे धारनी हो, फिर मनाया होया दिन फिर उन्हां शहीदां दीआं सीसां तां मिलणगीआं जे असीं अपने वल्लों कुछ योगदान कर सकीए। फतेह टीवी दा बहुत धन्नवाद, जो 20 तरीक तों 28 तरीक तक पंजाब अते दिल्ली विखे अलग अलग स्थानां ते धन धन बाबा जोरावर सिंह, धन धन बाबा फतेह सिंह, सन्मान जो धन धन माता गुजर कौर समूह शहीदां दी याद विच विशेष समागम रखे गए ने। ते फतेह टीवी वालों सारा साल हर महीने धन धन बाबा जोरावर सिंह, धन धन बाबा फतेह सिंह, धन धन माता गुजर कौर ते समूह शहीदां दी याद नूं समर्पित हुंदियां सारा साल महीने वार प्रोग्राम भी होणगे।
ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 7:30 ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਟੀਵੀ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਮਿਲਾਪ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੁਹਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵਿਸਤਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਇਹ ਗਾਥਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੁਹਾਣੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਕਥਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੁਹਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੋਹੀ ਤੇ ਦੱਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਹੀ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਹੈਲੋ
एक बेनती है कि PB08-0137 गड्डी नंबर जी रस्ते के उपर खड़ी है, रस्ता उन्हें ब्लॉक किया है, प्लीज उन्होंने भी बेनती है, तो बाकी भी जिंदे गड्डिया वाले आते उन्होंने जरूरी बेनती है भी रस्ता ना ब्लॉक कराया करो, क्योंकि किसी ने पता नहीं कि वे जाना होंगे ज कोई एमरजेंसी होंगी है। सो ये बेनती प्रवान करनी गड्डी जिदी भी हैगी है रस्ते तो पासे कर दे। सतगुरु जी ने कृपा की जो इस महान लसानी शहादत दे पवित्र दिहाड़ियां दे विच अपन रल मिलके सच नाम वड्याई विचार की आग्या बख्शी है, कृपा की है। हुण जो इस तरह आप इतिहास गुरमुखा पासों सरवण कर रहे सी कि शरीर रूप करके महान रूहां की उम्र जिहड़ी सी बेशक वह बहुत घट सी, पर जो वह करनी संसार दे विच करके गए है बड़िया लंबिया लंबिया उमरां वाले भी बेशक ना कर सकण, क्योंकि वह गुरमुखां नूं इन्नी छोटी उम्र दे विच जो ब्रह्म ज्ञान की जां आपां जदों पवित्र नाम लैंदे हां बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी आपां बाबा लाउने हां ते आपां दुनियावी तौर ते जिहड़ा घर दा बहुत वड्डा बजुर्ग हुंदा है कोई सियाणा हुंदा है उसनूं आपां बाबा कह के पुकारदे हां, इन्नी छोटी उम्र दे विच नाम दे अगे बाबा लग जाणा ये उहनां दे पुरबले जन्मां दा तप सी जो सतगुरु साहिबान जी दे घर दे विच उन्होंने जन्म प्राप्त किया। आपां देखदे हां कि गुरु साहिबान जी दे घर दे विच गुरु नानक देव महाराज तो लैके दसवें पातशाह तक बहुत सारे संजोगियों ने जन्म लिया, रिश्तेदारियां बनिया, लाहे प्राप्त किए, गुरु नानक दे घर का खजाना अगे संसार दे विच वरताया। पर आपां इह वी देखदे हां कि गुरु घर दे विच कुछ ऐसियां रूहां ने भी जन्म लिया जो नाम दा लाहा नहीं प्राप्त कर सके। गुरु घर दे कुछ ऐसे संजोगी परिवारक मैंबर सी जो नाम दे लाहे दे वांझे रह गए ते दुबधा करन लगे। सो इस करके जिहड़ी इह महान किरपा हुंदी है गुरु घर दे विच जिन्ने रूहां आईयां उन्हां विचों भी विरलियां विरलियां ते होई जिन्हां नूं गुरु नानक दा खरजाना संसार दे विच वंडाउण दे लई हिस्सेदारी आई। छोटे साहिबजादे जिन्हां दे वंडे इलाही शहादत दा वरदान उन्हां नूं प्राप्त होया, पर यह शहादतां दे पिछे जिहड़ा एक वड्डा इतिहास है वह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी तो शुरू होंदा है जो पंजवें पातशाह जी की शहीदी के समय तो लैके दसवें पातशाह अते उन्हां तो बाद किन्ने गुरमुख गुरसिख जिहड़े है शहीदी का जाम पी के गए। इहदे पिछे जिहड़ी कहानी है वह गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह तो शुरू होंदी है। ऐसा केड़ी रौ रीता सी, ऐसी केड़ी लहर सी भी जो समय की हकूमत इन्ना खिलाफ हो गई, जो उदों दे राजियां ने उदों दे सूबेदारां ने इन्नी खिलाफत की, ऐसी केड़ी कहानी सी भी जोड़ा उन्होंने जुल्म कमा दिता। तो वह कहानी है गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे ब्रह्म ज्ञान की, क्योंकि सब तो पहला जिहड़ा कलयुग दे विच महापुरश का खिताब है युग पुरश का खिताब है तो महाराज गुरबाणी दे विच दसदे आ प्रथम नानक चंद। सब तो पहला कलयुग दे विच जिहड़ी उपाधि दिती है युग पुरश की गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह नूं दिती है, प्रथम नानक चंद जगत भयो आनंद तारन मनुख जन कियो प्रगास। हुण तारिया उन्हां नूं जांदा जो डुबदे होण,
ते महाराज सारे सच्चे पातशाह कहिंदे कि सारा संसार डुबदा पिया सीगा ते गुरु नानक देव महाराज उन्हां नूं तारन आए। किस तरह आए? जो सारे संसार का इको धर्म है जिथों ये सारी 84 लाख जून प्रगट हुई है, सारी मनुख जाति प्रगट हुई है, चारे वेद प्रगट हुए है, सारे तरह के जेड़े समुद सागर प्रगट हुए है, उस सच नाम के नाल महाराज सच्चे पातशाह ने जुड़न की एक लहर चलाई। बेशक उन्हां तो पहला कबीर साहब ने, नामदेव जी ने, अनेक भगतां ने, रविदास जी ने, रामानंद जी ने प्रचार किया, लुकाई दे विच ठंडक वरताई, पर जिहड़ा सतगुर दा युग पुरश दा खिताब मिलिया वह गुरु नानक देव महाराज नूं मिलिया, अगवाई की उन्होंने। हुण वह अगवाई यह सी कि जदों महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक देव आउंदे आ ते देखदे आ वी कोई मूर्तियां दे नाल जोड़ के, कोई कर्मकांड दे नाल जोड़ के, को मड़िया मसाणिया दे नाल जोड़ के, कोई देही दे उपर तशद्दत करके परमेश्वर नूं प्राप्ति करन दी कोशिश कर रहे हैं। जिथे भगती हो रही है उथे हठ करके भगती हो रही है, पढ़न तक सीमित। उस वक्त चारे वेदां दा ज्ञान संसार दे विच ठंडक वरताउंदा सी, पर वेदां नूं पढ़न दा तरीका नहीं। जिस तरह अज ते ला लईए 1430 अंग की गुरबाणी के विच अकथ की कहानी, ब्रह्म के नाल किवें मिलाप करना है, किवें इस भवजल नूं तरना है, किवें आत्मक प्रकाश की खेड है, इसकी सारी खेड लिखी है, पर की आपां गुरबाणी नूं खोज लिया? आपां पढ़न तक सीमित हाँ। इसे तरह गुरबाणी ने मोहर लाई है कि चौं वेदां दे विच भी सच अते नाम का उस आत्मा का ज्ञान सी ते है, पर उसनू लुकाई जिहड़ी सी ओह पढ़न तक सीमित हो गई। महाराज कहिंदे वेदां मैं नाम उत्तम सो सुणै नहीं फिरे जीओ बितालिया। हुण जो वेदां दे विच उस अकाली नाम दी, ओह नाम जिहड़ा भाषा तो रहत है, वह सब तो सर्वश्रेष्ठ मन्निया गया। एक नाम तो है अखरां दे विच है, जिस दे विच वाहिगुरु हरि अल्लाह राम पता नहीं किन्ने क नाम आ जाते हैं। महाराज कहते असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लोग। एक तो यह नाम है जिहड़ा असी मूँह द्वारा जप सकते हैं, कलम द्वारा कागज उपर लिख सकते हैं, पर गुरु नानक देव जिस नाम की गल करन दी शुरुआत उन्होंने की, जिसका भेत दिता वो बारे वो आप दसते हैं, कागद कलम ना लिखण हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए। जिहड़ा वो मैं जिस नाम की गल करदा पिया वो कागज के उपर लिखा नहीं जा सकता कलम द्वारा, वो आकार तो रहित नाम है, वो मुख द्वारा बोल के नहीं दसिया जा सकता। जिस नाम की गल मैं करना आ वो किहड़ा नाम है? महाराज कहिंदे आ भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजै, वह नादी नाम है, नाद की आवाज की न्याई घट घट के वजदा पाया, उही नाम सारे ब्रह्मंड सारिया धरतियों में समाया, सारी लुकाई में समाया, उसनू गुरबाणी में बीज मंत्र कहा है। बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान, उस नाम की पावर द्वारा सारी सृष्टि की खेड चल रही है। उस नाम की गल शुरू की जो ना ओम है, ना हरी है, ना अल्लाह है, ना वाहेगुरु है, अखरां तो उपर जिहड़ा नाम है, उसनू साडी भाषा दे विच समझाउण लई महाराज सच्चे पातशाह ने सतनाम कहा। सत तो भाव है जिहड़ा मूल है सृष्टि का अकाल पुरख, ते नाम जो उस अकाल पुरख प्रकाश दे विचो एक धुन प्रगट हो रही है जिसनू नाद कहा, वह सतनाम है। सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, पढ़ के दसिया, सानू साडी भाषा च दसिया। और मूरत केड़ी नाल जोड़िया? सब मैं जोत, जोत है सोए तिसदे चानण, सब मैं चानण सोए होए गुर साखी जोत। अकाल पुरख की जोत दे नाल क्या भी उस जोत दे सनमुख होवो, उसकी आराधना करो, अते उस जोत दे विचो जो मंत्र जो नाम प्रगट हो रहा है गुरबाणी विच उसनू अनद अनहद पंच शब्द कह के पुकारिया, उस नाम दे नाल जुड़ो। पहला जीवां दे ये गल समझ नहीं आई,
क्योंकि कोई आकारां दी पूजा करता सी, कोई रुखां दी पूजा करता, कोई बिरखां दी करता, कोई पशुआं दी पूजा करता, कोई मड़ियां मसाणियां नाल जुड़िया, वो कहते ये केड़ी प्रकाश की गल करता, केड़े नाम की गल करता है, क्योंकि ये खेड सारी चौथे पद की है, थिर करती है। हुण जदों महाराज वो सच्चे नाम की अकाल पुरख की जोत के सरूप की खेड समझाउंदे है, ते ना तो संसार मनण नूं तैयार है, ते जो संसार दे विच झूठा प्रचार कर रहे सी उन्हां नूं खतरा पै गया आपदा, भी इह तां साडे तों कोई वक्खरी गल है, ना इह किसे रंग नूं मनण लई कह रहा, ना किसे पत्थर नाल जोड़दा, ना किसे बुत नाल जोड़दा, ना किसे मूर्ति नाल जोड़दा, ना कर्मकांडां दे नाल जोड़दा, ना तीर्थां दे नाल जोड़दा, ना किसे दिशा दे नाल जोड़दा, ना मते मसूरतां दे नाल जोड़दा, इह साडे तों वक्खरी गल करदा, ते लोग इहदा साथ दे रहे आ। उन्हें विरोधता शुरू की, भी कौन है, कादी गल कर रहा है, ये हिंदू है, मुसलमान है, ये ईसाई है, ये जैनी है, ये बोधी है, कौन है। हुण जदों वो गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह नाल गोष्ठ शुरू करते हैं, तो सच्चे पातशाह नूं कहिंदे है भी तू कौन है, तेरा गुरु कौन है, तू किस दा चेला है। तो महाराज उत्थे जवाब देंदे है, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। मैं जिस दा चेला वो शब्द गुरु है, जो मेरा मूल है वो सच है, प्रकाश है, ते वो प्रकाश घट घट दे विच मौजूद है, साड़ी सारियां दी देही दे विच भी मौजूद है, मैं उस दा चेला। वो जदों अगे गल चलाउंदे आ भी वो किस तरह देही दे विच मौजूद है, उत्थे फिर गुरु नानक देव महाराज ने भेत दिता आ, ये जिहड़ी साड़ी देही आ ये दस दरवाजिआं दी बनी हुई आ, दस दरवाजिआं दी ये देही बनी है, दो नेत्र, दो नासका, मुख, दो कन, दो मलमूतिंद्रे, ये नौ आ। पर जिहड़ा दसवां घर है उसका भेत ना होण करके आपां सिर्फ नौ द्वारिआं तक सीमित हाँ। इस देही दे विच विचार आउंदे आ, फुरने आउंदे आ, पंजे दूत अंदरों विकार देई जांदे आ, कदे गुणां दे विच पा दिंदे आ, कदे औगुणां दे विच पा दिंदे आ, दसवें घर का भेत नहीं आउण दिंदे सानूं। उस घर का, उस दसवें घर का, जिसनों गुरबाणी में थिर कर क्या, सहज कर क्या, अबचल नगर क्या, बेगमपुरा क्या, उसका भेत नहीं आउण दिंदे। हुण उस दसवें घर के शब्द चलदा है, और किहड़ा शब्द चलदा है, जिन्हों असीं रोज पढ़दे हां, अनद सुनो वड भागीओ, उत्थे अनद चलदा है। नौ दर ठाके धावत रहाए, दसवें निज घर वासा पाए, उत्थे अनहद शब्द वजै दिन राती, गुरमति शब्द सुनावणे आ, उत्थे अनहद शब्द चलदा है। साडी देही दे विच है, सहज दे विच है, जिथे जाके सिर्फ साडा ध्यान रह जांदा है, कोई आकार नहीं, कोई विचार नहीं, इत्थों तक सानू ये नहीं पता कि असी नर रूप हाँ, इस्त्री रूप हाँ, की साडी जात है, की असी बच्चे हाँ, बजुर्ग हाँ, वो ध्यान की अवस्था दे विच, जिन्हों महाराज कहिंदे सुन समाध अनहत तह नाद, कहण ना जाई अचरज विसमाद, उत्थे चलता है। हुण ओ सारिआं दे अंदर इक्को ही शब्द चल रहा है, तुहाडे अंदर, मेरे अंदर, सृष्टि अंदर, सारिआं दे अंदर इक्को ही जोत दा प्रकाश है। गुरु नानक देव महाराज ने सच्चे पातशाह ने कहा उहदे नाल जुड़ो, बाहरी आकारां दे नाल ना जुड़ो, वह प्रकाश साडा मूल है, उसे नूं ही अल्लाह कहा, उसे नूं ही राम कहा, उसे नूं ही वाहिगुरु कहा, उसे जोत ने ही इस सारे ब्रह्मंड नूं सिरज के, सानू सिरज के इत्थे संसार दे विच कर्म किरत दे के खेडण भेजिआ, होर दूजा कोई भी रब नहीं साडा। बचन आया गुरबाणी में अव्वल अल्लाह, सब तो पहला, अव्वल का मतलब होंगे सब तो पहला, अगे कहिंदे अल्लाह रब सी, ते की कहिंदे किवें संसार नूं प्रगट कीता, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, नूर होंगे प्रकाश दे विचों उन्हें सारे संसार नूं प्रगट कीता, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, उस नूर ने सब तो पहला संसार नूं प्रगट कीता है, उसे नूर ने ही कुदरत साजी है, ते वो कुदरत सारे संसार नूं पाल रही है, ते वो कुदरत तीन गुण बना के, तीन खास तरह के आप दे प्रभाव बना के सारे संसार नूं पाल रही है, इत्थे होर संसार विच कोई दूजा नहीं है। एका माई जुगत व्याई
तीन चेले प्रवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीबान। ओ माई कितों प्रगट हुई है? अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। ओ कुदरत नूं ही तीन भागां दे विच वंडिया मालक ने, उत्थों सारा प्रकाश दे विचों इह खेल प्रगट होया। एक नूर ते नूर फिर उही इको प्रकाश तो सारा संसार प्रगट होया है। कौन भले कौन बंदे? तुसी इत्थे किसी नूं हिंदू कह रहे हो, किसी नूं मुसलमान कह रहे हो, किसी नूं शूद्र कह रहे हो, किसी नूं ब्राह्मण कह रहे हो, किसी नूं शिया कह रहे हो, किसी नूं सुन्नी कह रहे हो, कोई जैनी है, कोई बोधी है, ये कित्थों आए? क्योंकि तुहानूं सच की पहचान नहीं, प्रकाश की पहचान नहीं। आपकी देही दे विच जिहड़ा हरी तुहाडे अंदर मंदिर बना के बैठा है, आसन ला के बैठा है, उहदे तुसी दर्शन नहीं कीते, तुसी बाहरी ज्ञान तक सीमित हो। सिर्फ इस देही दे विच मालक आसन ला के बैठा है। हर मंदिर एहो शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हरी दा मंदिर यह शरीर है, तो शरीर दे विच बैठा है। किवें बैठा है? प्रकाश रूप होके बैठा है। तो कहिंदे देखिया कदे प्रकाश अंदरों? जिस जोत ने तुहानू प्रगट कीता कदे जोत दे दर्शन कीते है? जिहड़ा ब्रह्मंड दे विच घट घट दे विच नाद वज रहा है, वह कदे नाद सुनिया? अगों गल ना आउंदी। लंगोटियां नूं हथ पा लेंदे, को बोधियां नूं हथ पा लेंदा भी नहीं पहलों जटा रखो, नहीं पहलों 12 साल जोग कट्टो, नहीं पहलों इत्थे तीर्थ ते आके इस पासे नूं मूंह करके इशनान करो, नहीं पहलों आ धागे बन्नो, नहीं पहलों वीरवार शुक्रवार। मैं आंदे ये नहीं मैं गल करदा। कदे सच देखिया? जिहदी तूं माला सारा दिन फेरदा है, राम राम अल्लाह अल्लाह करदा है, वह सच दे दर्शन कीते है किहो जिहा? कोई कहिंदा ऐस मूर्त वर्गा है, कोई कहिंदा भगवे वेश च है, कोई कहिंदा नीले वेश च है, कोई कहिंदे सफेद वेश च है। वह आंदे ये तां माया दे सत रंग ने, यह सत्तां रंगां दे विचों कोई उत्तम नहीं। कबहू साहिब देखिया भैण? कदे देखिया? अगो चुप, क्योंकि महाराज कहिंदे है जग कौआ मुख चुंज ज्ञान। वह कां सीगे, कां जिहड़ा कौं कौं करनी जाणदा, उहदे अंदर कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ चार ज्ञान दीआं गल्लां सिखियां होईआं। जिहनूं चार ज्ञान दीआं गल्लां नहीं आउंदीआं उहनूं सुणा के प्रभावित करदे आ। कदे देखिआ? कहिंदे प्रतख पुछिआ, ते जदों उहनां नूं पुछदे तुसीं देखिआ? कहिंदे मैं देखिआ। मैं पेख्यो री उच्चा मोहन, सब ते उच्चा मैं वेख्या। कहिंदे किवें दा? कहिंदे हर एक रंग तों न्यारा है, किसी आकार च नहीं है, कोई नर्मदा दे रूप विच नहीं है। उत्थे उन्होंने फिर मूल मंत्र दी उच्चारण कीता है, वह एक है, ओंकार है, सत स्वरूप है, नाम स्वरूप है, नरभौ है, नरवैर है, अकाल है, मूर्तां तो रहत है, जूना तो रहत है। उनकी सत्ता आदि विच भी चलती, जुगाद च भी चलती, चलती रहूगी। वह प्रकाश रूप है। प्रकाश कैसा है? कहिंदे सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई, जिवें शीशा हुंदा रूप ना रेख ना रंग किछ, त्रै गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझावे नानका जिस होवे। उंदा कोई रूप नहीं, उंदा कोई रंग नहीं, उंदा कोई रेख नहीं, भेख नहीं। जिस तरह एक जल हुंदा है, जिस तरह एक शीशा हुंदा है, साफ है बिल्कुल प्रकाश रूप दे विच। उन्हां नूं भजना पै जांदी है भी ये किहड़ी नवीं गल आ गई है। तीर्थां तों उपर दी गल, आकारां तों उपर दी गल। फिर कहिंदे दर्शन कौन कर सकता है? ब्राह्मण, शूद्र, मुसलमान कौन दर्शन करेगा? कहिंदे ओ दर्शन करेगा ओही ब्राह्मण है जो भावना दे नाल, प्रेम दे नाल, पंजे दूतां दे विकारां तों रहित हो जाएगा, वह दर्शन कर सकता है, ते ओही ब्राह्मण है। ब्राह्मण सोजो ब्रह्म बचारे, जिन्हें ब्रह्म नूं देख लिया वह ब्राह्मण है, होर को दूजा ब्राह्मण नहीं, वह अखरी ज्ञान है। पंडित सोजो मन प्रबोधे, राम नाम आत्म में सोधे। पंडित वो है जिन्हें मन नूं पंजां दूतां तों पिछे हटा के वस कर लिया, ते जिहड़ा राम दा नाम घट घट दे विच चलदा पिया उस दे विच आप दे आत्मा दे विच सोध लिया, वह पंडित है, वह ब्राह्मण है। कोई दर्शन कर लवे। हुण जदों उन्होंने कोई बाउंडेशन नहीं रखी, लिमिट नहीं रखी, कोई हदबंदी नहीं रखी भी ब्राह्मण आके चाहे सिमरन करे, तरीके दे नाल चले, शब्द नूं ध्याए, दर्शन कर लवे, शूद्र आवे कर लवे, शिया आवे कर लवे, सुन्नी आवे कर लवे, मुसलमान आवे, उन्हें आख्या भी ये काम खराब करू अपना, इहदे नाल लोक जुड़ने शुरू हो गए, ये साडा काम खराब करेगा, क्योंकि ये साडे तो रहत ज्ञान दे रहा। उत्थों विरोध शुरू होंदा।
महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे गुर की मूरत मन में ध्यान। हुण गुर की है? सच्चे पातशाह ने प्रकाश रूप नूं सतगुर नूं गुर कहा, जिन्हों असीं रोज पढ़दे हां, अंतर गुर आराधना जीवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर वेखणा श्रवणी सुनना गुर नाओ, ओह गुर है। हुण इह दर्शना तक कौन रोक रिहा है? इह जिहड़ा संसार है गुरमुख प्यारिओ, इहदे विच चल रही माया की सत्ता काल ते इहदे पंजे दूत सानू दर्शना तों रोकदे आ। अकाल पुरख सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने इन इस काल का भेत दिता भी किवें तुहानू रोकदा। महाराज कहिंदे तुसी सारे दर्शन कर सकते हो, कोई इत्थे जातां दी नहीं लोड़, कोई मजहबां दी नहीं लोड़, कोई तीर्थां दी नहीं लोड़, तुहाडा शरीर ही मालक सच्चे पातशाह ने तीर्थ बना के भेजिया है। तुसी अंदरले तीर्थ की विचार नहीं की, बाहर तीर्थ बनाने शुरू कर दिते। महाराज कहिंदे मन मैले तां सब किश मैला, तन धोते मन हछा ना होए, ये जगत भरम भुलाया विरला बुझा कोई। ते किथे आ तीर्थ? कहिंदे मन मंदर तन वेस कलंदर, घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसता बहुत जन्म ना आवा। जेड़ा इस शरीर दे विच वसदे हुए उस नादी शब्द नूं बुझ गया, गुरमंत्र दे नाल जुड़ गया, घट दे विच जिन्हें तीर्थ नहा लिया, वह असल जेड़ा है सेवक है। हुण इह गल ब्रह्म दी चल पी। हुण किसे किसे गुरमुख नूं उह समझ आउण लगी जिन्हां ने पहलों कबीर साहब का संग किया, नामदेव जी का संग किया, रविदास जी हुणां ने पहलों प्रचार करता सी इसे शब्द का, गुरमंत्र का, सच का। जिवें जिवें सिख संगत गुरु नानक देव पातशाह जी के बचना नूं सुणदी गई जुड़न लग पै। हुण जदों इस तरह गुरमुख की शोभा हुंदी है तां जिहड़े चुगल निंदक हुंदे है वह अग दे विच वसदे आ, उहनां दा अग्नि च वास हुंदा है, वह वडियाई झल नहीं सकते गुरमुखा की, तो उन्होंने विरोधता शुरू कर दिती क्योंकि उन्होंने आप का डर सी कि इन्हें सच की गल करके लोगों के जोड़ जाना, साड़ियाँ रोटियां किवें चलनगियां, साड़ी शोभा खत्म हो जाएगी। उन्होंने जितों भी लगा सरकारे दरबारे भी पहुँच शुरू की, बहाने बना के गुरु नानक देव जी का विरोध करना शुरू किया। हौली हौली जिहड़ी गल चलती है कि किस तरह संत बनना है, किस तरह अंदर का खेल जितना है, तो जेडे साडे असल दुश्मन है काम क्रोध लोह मोह अहंकार, इन्हों असी वस करना है। गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा, बचन कहा, इस देही अंतर पंच चोर वसै, काम क्रोध लोह मोह अहंकारा अमृत लुटै, मनमुख नहीं बुझा कोई ना सुने पुकारा। महाराज कहिंदे एक अमृत है, कुदरत ने अकाल पुरख सच्चे पातशाह ने सिर्फ एक अमृत बनाया, दूजा अमृत नहीं है कोई। नानक अमृत एक है, दूजा अमृत ना है, नानक अमृत मने माए पाइए गुर प्रसाद। वह मन दे विच रख्या अमृत, इस दसवें घर दे विच रख्या। शरीर का जिहड़ा सूखम भाग है, एक दृष्टमान भाग है शरीर का, जो तुहानू अखां राहीं देख रहा, मैनू तुहाडा देख रहा, तुहानू मेरा, एक इस शरीर दे विच सूखम भाग है जो असीं सिर्फ ध्यान द्वारा देख सकते हैं, ना आ नेत्र देख सकते, ना कान सुन सकते, उन्हूं दसवां करके है, उन्दे विच अमृत रख्या। ते जिन्हां ने शब्द की कमाई करके पंजां दूतां तो उपर उठ के उस अमृत की प्राप्ति कर ली, उस तां इस जगत विच परवान अमर है, उन्हां नूं जम काल कुछ नहीं कहूगा। ते जिन्हां ने उस हर रस की अमृत रस की प्राप्ति नहीं की, वह जमा दे वासा, तुसी रोज पढ़ दिओ, जिन्नी हर 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 रस नाम ना पाया ते भागहीन। हुण महाराज बचन कर दिया भी दसो तुहानू हर रस आया, हरी दे दर्शन किए, नाद सुने, गुरमंत्र कर दे हो, ते जे बाहर भेख तक सीमित हो, बाहर की पूजा कर रहे हो, तो किस तरह खेड चलेगी? हुण गल चलदी चलदी पहले पातशाह ने इन्नी संगत दे विच देश विदेश दे विच जाके कोई कंट्री नहीं उन्होंने छड़ी जिथे ना प्रचार किया होवे। भाई गुरदास जी कहिंदे आ, बाबे तारे चारे चक, अगे कहिंदे ने नौ खंड पृथ्वी सच्चा टोआ, गुरमुख कल विच प्रगट हुआ। दृष्टमान दे विच तां जा जा के प्रचार किया, मन करके सूखम नौ खंडा तक जाके प्रचार करते रहे, ऐसा गुरमुख कलयुग दे विच प्रगट होया, लाहा दिता। हुण सिख संगत का दायरा वधिया, गल चलती चलती जिहड़ी है पंजवें पातशाह छेवें सत्तवें जदों दसवें पातशाह तक आउंदी है,
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਦੌਰ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਨੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਗਿਆ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਚੁਗਲ ਸੀ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੂੜ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਪਹਿਲਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਜ਼ੀਆ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਸੰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਕੂੜ ਦੇ ਅਨਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੁਰ ਧਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੰਤ ਪਦ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚੋਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨਮੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦੇ।
ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਖੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਾਸੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਅਸਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਅਸਲ ਪੰਡਿਤ ਕੌਣ ਹੈ ਅਸਲ ਇਸਲਾਮਕ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਉੱਜੜ ਚੋਟਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸਤਤ ਅਸੀਮ ਹੈ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਸ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨੂੰ 1430 ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਦੁਆਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ 1430 ਅੰਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਸੁਣੋ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇਹ ਸਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਊ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜਾਪ ਜਪਾਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਸੀ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾਉਣਾ ਬੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਪ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਹੈ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗੁਪਤ ਨਾਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਰਸਨਾ ਜਪੇ ਨਾ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਪਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
सानू हर रस नहीं आया, सानू नाम की कहानी का नहीं पता गुरमुख प्यारियो। ते महाराज कहिंदे आ जिन्नी हर 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 रस नाम ना पाया ते भागहीन, पापी कर्म कमामदे करदे हाए हाए, नानक ज्यों मथन मधाणिया त्यों मथै धर्म राय। हुण जे आपां शब्द का अभ्यास नहीं करते, जे आपां नाम की शोभा नहीं करते, सहज पाठ की आपां बाणी नहीं विचारते, असी जो महाराज सच्चे पातशाह जी की दित्ती हुई केसा की सिखी है, बाणे की सिखी है, ऐसा गुरु किनू मिलता है जेड़ा ज्ञान भी दवे, मन का कपड़ा भी दवे, तन का कपड़ा भी दवे, सुंदर दमाले समुंदर पछाके कौमी झंडे कौमी शस्त्र भी दवे, फिर सानू पता भी है भी साडा पिता कौन है, साडा दादा कौन है, साडा पड़दादा कौन है, साडा नकड़दादा कौन है, है को कौम, कदों असी प्रगट होए, कदों साडा खेल है। हुण सानू जे इन्नी खेड़ तो बाद भी असी बड़ी खुशी दे नाल शब्द का अभ्यास छड़ के गुरबाणी का अभ्यास छड़ के नशे करने हैं, बड़ी खुशी दे नाल ही करते हैं ना, धन कमाने हैं, किन्ना औखा धन कमाने हैं, ते गुरु का वचन है पान सुपारी खातियां मुख बीड़ियां लाइया, हर हर कदे ना चेत्यो डम पकड़ चलाइया। असी पाना सुपारियां शराब यह जे नशियां दे विच पैने हैं, केसा की बेअदबी करते हैं, जिन्हां दे लई शहीदियां होईयां, ते आपां की सिख कौण दे हकदार हैगे, आपां की खालसे कौण दे हकदार हैगे। ते जदों महाराज ने कह दिता रहत प्यारी मुझको, सिख प्यारा ना ही, सिख तां भेखतारी भी हो सकदा पर की उह रहत विच है। जो गुर इतिहास है इत्थे साहिबजादियां दी धरती ते गुरु साहिब जी की धरती के उपर यह विचारन की लोड़ है भी जो ये लसानी शहादत हुई है होई तो होई किस लिए है। यही कहा गया ना भी असी इस्लाम कबूल नहीं करते, तेरे झूठ का धर्म कबूल नहीं करते, जेड़ा धर्म है वह साढ़े मस्तक ते कायम है, साडा मालक साढ़े सनमुख है, असी उहदे सनमुख हाँ, असी नहीं कबूल करते। अज तुसीं देखो जदों इत्थों कोई कोई विरले होणगे, इत्थों जदों ही जहाज चढ़ जाते हैं विदेश जाने का मौका मिलता सर नालों जाके पहलों आ केसा की जिहड़ी सिक्खी सानू बख्शी हुई है इहदा कतल करदे आ बड़े शौक दे नाल, बड़े शौक दे नाल, जिहदे पिछे इन्नी शहीदियां हुई वह गुरु की मोहर नूं ही कतल करदे आ। गुरबाणी अते गुरमंत्र तो तां कोहां दूर आ, जिहड़ी सिक्खी की साबत सूरत दित्ती आ उहदे विच रहना ही नहीं पसंद करदे। क्यों? उन्हां कौमां नूं फॉलो करदे आ, उन्हां कौमां दा पिछा करदे आ जिन्हां नूं अजे यह नहीं पता भी साडा गुरु पीर कौन आ, उस कौम का पहरावा जिहड़ा आ उहनूं कॉपी करदे आ। गुरु का दिता चोला भैड़ा लगता है, तो इहो जिहियां कौमां जो नंगेज रहना पसंद करदियां, निकरां पाउणियां टी शर्टां पाउणियां पसंद करदियां, उन्हां दा पहरावा सही लगता है भी आह पहरावा ठीक है। गुरु ने साडा सिर ढकिया, सानू दमाले की बख्शिश की, सानू शस्त्रां की बख्शिश की ना, जिन्हां दे सिर दे उपर कुछ भी नहीं, कहिंदे ऐ रहना सानू पसंद है तां उह भी कौम है, साडी झंडा बरदार कौम है, गुरु की साजी नवाजी कौम है। ते उस कौम दे विच जिथों सानू कढ के लियांदा, सिख किवें प्रगट कीता, खालसा किवें प्रगट कीता, पूरे विश्व दे विच प्रचार होया, कोई हिंदू रौ रीतां नाल जी रहा सी, कोई मुसलमान रौ रीतां नाल जी रहा सी, कोई क्रिश्चन रौ रीतां नाल जी रहा सी, जदों प्रचार होया उन्हां तों तन मन अते धन की फीस मंगी गई, ते जिहड़े देण नूं तैयार होए उन्हां नूं खालसाई कौम दे विच साजिया। ते उस तों बाद सानू रहतां दसियां कि इस तरह गुरमंत्र जपना है, इस तरह आपके अंदरों पंजे दूतां नूं खत्म करके तुहाडे अंदर दसवें घर का अनहद खजाना है, नाद है, बाणी है, उस नूं सुनना है, ते बाहरों ब्रह्म के आधार के उपर जीवन जिउणा है, ते अंदरों भी पंजां दूतां का विरोध करना, ते बाहरों भी जो चढ़ के आउंदा उहदा डट के विरोध करना। जिथों सानू कढ़िया सी असी दुबारे उस तरह फिर दस्तारा ला के फिर केस कतल करवा के फिर असी आप दा सब कुछ छड़ छड़ा के उस नरक दे विच फिर जा रहे हैं। महाराज कहिंदे आ रहणी रहे सोई सिख मेरा, जो रहत विच नहीं
एक फौज के निजम होंगे है ते फौज के निजम का कोई माड़ा जा भी भंग कर दे इंसान उही हुंदा है पर जो फौज का निजम भंग करता उन्हूं बाहर कर दिता जाता कोर्ट मार्शल कर दिता जाता है। तुसीं किसी स्कूल विच दाखला लैंदे हो किसी विद्यालय विच दाखला लैंदे हो किसी नौ ऑफिस विच तुसीं नौकरी करते हो किसी इंडस्ट्री विच तुसीं लगे हुए हो उन्नी देर तक रखा जाऊगा जिनी देर तक तुसीं उत्थों दे डिसिपलिन दे विच रहिंदे हो। तुहाडे चेहरे की कोई कदर नहीं जे तुसीं उत्थों दे रूल एंड रेगुलेशन विच चलदे हो किते दाखला लैणा होवे उत्थों दा एक रूल एंड रेगुलेशन की किताब हुंदी है भी साढ़े आ रूल ने तो जिहड़ा रूल दे विच ही नहीं चलता वह आंदे फिर ठीक है। इस देश का भी एक कानून है जिन्हों संविधान कहा जाता है तुहाडे चेहरे की कोई कदर नहीं जे संविधान के कानूनों के तहत चलोगे ठीक है नहीं तो चक के बाहर मारनगे। तो तुसीं की सोचते हो भी जो दिल आएगा सिक्खी विच करी जावांगे मन्नांगे तां ठीक है ना मन्नांगे तां ठीक है तो सानू गुरु अपना लेगा नहीं। महाराज ने कहा रहत प्यारी मुझको रहत प्यारी है डिसिपलिन प्यारा है रूल एंड रेगुलेशन प्यारे ने मैनू जो कमाएगा वह मेरा सिख है। तो जिहड़ा शब्द का अभ्यास नहीं करता जिहड़ा गुरबाणी की विचार नहीं करता जिन्हों हले तक यही नहीं पता लग्या मेरे अंदर परमेशर है कित्थे बैठा है किहड़े सरूप विच बैठा है इस देही विच ही है किसी नूं इस देही चाहे 30 साल हो गए किसी नूं 40 किसी नूं 70 इस देही विच रह रहे हैं। तो दरगाह दे विच इक्को ही लेखा है भी जिहड़ी देही दे विच तू रह के आया उस विच मैं बैठा सी 100 साल की उम्र भोग ली तो हजे तक मेरा ही नहीं पता लगा भी मैं अंदर कित्थे गा कि मन दे विच सिर्फ फुरने देखते रहे विचार आउंदे गए कदे काम दे विचार चल पाए कदे क्रोध दे चल पाए कदे व्यापार दे चल पाए कदे धियां पुत्रां दे चल पाए अंदर फुरने चलते रहे जिवें फुरने चले किसी ते क्रोध आया तो क्रोध कर दिता जदों अंदरों काम दे गुबार फुटे तो काम कर लिया लोभ दे गुबार फुटे तो ठगियां चोरियां करन लग गए ते इसे तरह पंजां दूतां दे वस होके सारा जीवन कढ दिता। ते महाराज कहिंदे फिर नहीं इह तां फिर सारे खुआर हो गए। महाराज कहिंदे आ जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणीए नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जग ले जे ते सनदर ना आवई तो वात ना पुछे कि रोज जपजी साहब च पढ़दे हो क्यों पढ़दे हो भी सानू रोज दा रोज अकल आई जावे। कहिंदे चार युग तो 40 युग उम्र हो जावे तेरी एह जी करामात होवे तेरी च एक दो शहरां विच नहीं 9 धरतियां तक तेरा नाम चलदा होवे 9 धरतियां दे लोक उठ के रोज तेरा नाम ते आउंदे हुण ते कहिंदे हुण भी तेरे तो वधिया बंदा नहीं है फलाने सिंह तो जां फलाने भाई तो वधिया बंदा इस संसार विच नहीं है। नवां खंडां विच जाणी है नाल चलै पशु पक्षी भी तेरा नाम ते आउंदे हुण कहिंदे हुण भी बहुत चंगा बंदा है पर कहिंदे जे मालक दे सनमुख नहीं होया इन्हां नज़रां द्वारा उहनूं नहीं देखिया ओदी नज़र विच नहीं आया जे ते नज़र ना आवी तां वात ना पुछे कोई नहीं पुछदा भी तू सरपंच सी मेजर सी प्रधानमंत्री सी कि 9 खंडां दा स्वामी सी कोई नहीं पुछदा वात ही नहीं पुछी जानी तेरी की हशर करना। कहिंदे कीटां अंदर कीट धर कीड़े दे जखम दे विच कीड़ा बना के तेनू पैदा कर दिता जाऊगा तेरी इन्नी सोभा होंदिया सोभा की कदी वडियाई है भी मैं फलाने जगह का मेयर हाँ मैं चेयरमैन हाँ मैं बिजनेसमैन हाँ कोई वडियाई नहीं की है रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा जिहड़ा रहत दे विच आ गया इसे करके संगत बनाई है कि इत्थे आके सानू फिर ज्ञान दृढ़ करवाया जाता है की ज्ञान है सिखो शब्द प्यारे हो ओ मेरे प्यारे हो शब्द सिख लो केड़ा शब्द है वाह गुरु ये शब्द सिखो सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत ते आपां शब्द सिख लिया कि नहीं होर आपां नूं सारा कुछ ही आउंदा बोलना भी आउंदा मोबाइल चलाउणा आउंदा कार चलाउणी आउंदी बिजनेस करना आउंदा व्यापार करना आउंदा ते कहिंदे शब्द जपना आउंदा दसो भई आउंदा तुहानूं सारिआं नूं किन्नेआं नूं शब्द जपना आउंदा तो जे 2 मिनट भी जपण बह जाते हैं कहते सानू तो फुरने ही बहुत आते हैं जपया ही नहीं जाता साढ़े तो उठा ही नहीं जाता बाणी पढ़न लगी है पता नहीं मन कित्थे दा कित्थे टप जाता तो फिर तो शब्द सिखिया ही नहीं गा। तो महाराज कहते जे सिखोगे
फिर जन्म अते मरण दी थोनू थम लगना टेक मिलनी है ते मुख उज्जल होना ते जे जे ना सिखिया जे ते नजर ना आवी तां वात ना पुछे गुरबाणी दा जवाब आ तां ही सानू कहा जांदा कि वधो वध जपजी साहब पढ़ो वधो वध आनंद साहब पढ़ो सहज पाठ की बाणी पढ़ो तुहानू पता लगे गुरु सानू की कह रहा है असी सिर्फ इन्ने सीमित आ कि अगे 100 रुपया 200-500 हजार गोलक च पाया मत्था टेकिया तीर्थ ना लिया जी कहदा तीर्थ ना लिया भाई ਇਹ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ 1430 ਅੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀਤ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ ਫਿਰ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਇੱਕੋ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਚੌ ਵਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਮਿਲੇ ਆ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੇਡ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਖੱਲਿਆ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਅੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗਾ ਭਾਈ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੱਗਾ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਅੱਗਾ ਦੇਖਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅੱਗਾ ਦੇਖਿਆ 1430 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਲੈ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਤਾ ਵੇਦ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇ ਆਣੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਬੜੇ ਤੇਰੇ ਅਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਤ ਸਰਵਰੜੇ ਭਈਏਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨੈ ਕੀਆ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗਨੀ ਚਾਲੇ ਹਮ ਦੇਖਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੱਤੇ ਜਲ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੱਤੇ ਜਲ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਕੌਣ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੂਖਮ ਦੇਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੋਤ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੋ ਕੁਦਰਤਾਂ ਆ ਦੋ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਆਂ ਕਰਾਸਨ ਡਿੱਠੋ ਦੋ ਕੁਦਰਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਦੂਜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਤ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਆਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ
ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए। महाराज कहते पहली बार नहीं दुनिया तो आया, यह जे माता पिता, यह जिया जमीना जदातं, यह जे पिंड, यह जिया जातं तेनू बहुत बारी दित्तियां मैं, पता नहीं किन्ने तेरे माता पिता बने, कत की माई बाप कत केरा कि तू था वो अमाए, पता नहीं किन्ने क माता पिता तेनू मैं दे दित्ती है, किन्नी बार धन दिता, कबहू राजा छत्रपत कबहू भिखारी, कदे राजा बनाया कदे भिखारी, तू संसार चो नहीं निकल सकिया। इसे करके एक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी लिखी है कि राम नू अभ्यास करके, शब्द का अभ्यास करके अंदर उस अनहद नाद नाल जुड़ जा, अमृत रस की प्राप्ति कर ले, तेरा उदार हो जाएगा। फिर विच कुछ गुरमुखा नू जगाया है, जाओ संसार दे विच होका दियो, इन्हां नू समझाओ कि इस संसार दे विच सदा नहीं रहना, शब्द का अभ्यास करके इथों निकल जाओ। आओ फिर दो चार मिनट अपने कोल रह गए, किस तरह गुरमंत्र का अभ्यास करके इन्हां पंजां दूतां दे विचों निकलना, मालक सच्चे पातशाह जी दे नाल जुड़ना है। तां उह कहिंदे घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दड़ाया। आओ जो पंजां प्यारियां दा हुक्म है, दसवें पातशाह दा हुक्म है, नेत्र बंद करो, मुख द्वारा बोल बोल के स्वास ग्रास विधि नाल वाहिगुरु गुरमंत्र का जाप करिए। आओ सारे गुरमुख बोल बोल के, किसी ने भी संग शर्म लोक लज्जा विच चुप नहीं बैठना, नेत्र बंद कर लो, अखा बंद करके बोल बोल के वाहिगुरु गुरमंत्र का जाप करो जी। करो शुरू जी, वाह गुरु 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस तरीके गुरमुख प्यारियो वाहिगुरु गुरमंत्र नूं मन च वसाउणा, वसाउण दा इही तरीका है, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकागर चीत, नेत्र बंद कर लेने, मुखों बोल बोल के आप दी आवाज नूं आप सुनना है, धुन मैं ध्यान ध्यान मैं जाने गुरमुख कथ कहानी। जदों इस तरह शब्द नूं मन च वसाउने आ, ये पंजे दूत पासे हटते हैं, तो जेड़ा पंजे दूतां नूं वस करना सिख गया, पंच दूत तुद वस किन्ने काल कंटक, जिन्हें काल दे कंटक नूं खत्म कर लिया, पंजां दूतां नूं पासे खटाउणा सिख गया, वह ज्यौंदिआं जी मर जांदा, तो जेड़ा ज्यौंदिआं जी मर गया शब्द द्वारा मर गया वह प्रवान है। यही कहानी सानूं छोटे साहिबजादिआं दे जीवन तो, अनेकां गुरसिखां गुरमुखां दे जीवन तो मिलती है, किवें उन्होंने शब्द के पहरे नाल शब्द का अभ्यास किया, शब्द का प्रचार किया, मन करके तो वह आजाद हो, तन करके भी जिन्होंने भी फिर उन्होंने विरोध किया, गुरु दियां फौजां ने उन्होंने डट के सामना किया,
तन का जंग करके और इस संसार दे विचों खालसाई विजय प्राप्त की थी। सो आप जी दे नाल इन्हें वचन करदे अखर वादा काटा हो गया होवे संगत अते गुरु बख्शन जोग ने बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुद्वारा साहिब जी की प्रबंधक कमेटी का गुरमुख प्यारियां दा जिन्हां रल मिल के उपराला किया दूरों नेड़े आई गुरु रूप साध संगत जी का आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सिमरजीत सिंह जी ते उन्हां दा जथा जिन्हां ने गुर शब्द की गल की। गुरु प्यारी साध संगत जी ये गुर शब्द ही सीगा जिदे करके बाबा मोती राम मेहरा जी का समुचा परिवार वेलने दे विच पीड़िया गया पर उन्हां नूं कोई शरीरक तकलीफ नहीं हुई ये गुर शब्द सीगा। जो आप गुर शब्द दे विच कोई भी जुड़दा एकमिक हो जाता ना तो उन्हें कोई दुनियावी बीमारी तंग कर सकती है ते ना कोई उन्हें शरीरक तकलीफ। आप बहुत शहीदियां सिख कौम ते शहीदियां दे नाल ही भरिया किते सानू रूह दे विच लपेट के साड़िया गया किते चरखड़िया ते चाड़िया गया किते देग दे विच उबालिया गया और किते बाबा मोती राम मेहरा जी नूं पूरे परिवार नूं जिवें गन्ने दा रस कढ़िया जांदा इस तरह वेलण दे विच पीड़िया गया पूरा परिवार कोई पंज मैंबरी भी कहिंदा कोई चार भी कहिंदा पर जिन्ने भी हैगे ठीक है एक दूजे दीआं नज़रां दे सामने वेलणे दे विच पीड़े जांदे सीगे ते जो भाई सिमरजीत सिंह जी ने सानूं दस्सिया ये गुर शब्द सीगा शब्द सीगा वाहिगुरु सीगा सतनाम सीगा जिन्हां ने बाबा मोती राम मेहरा जी दे परिवार नूं डोलन नहीं दिता ते सिखी तो निशावर हुंदिया पूरा परिवार वेलणे विच परवा लिया पर सूबे की ईण नहीं मनी। सो इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। मैं एक बारी फिर फतेह टीवी का भी धन्यवाद करना ते आप सारी संगत का भी जिन्हां ने बहुत लंबे समय तो बह के ये शफरे शहादत की गाथा सुनी है और इस आस करदा कि इस तरह अगे तो भी वध चढ़ के इस स्थान ते शहीदां दीआं जो गाथावां सुनन वास्ते तुसीं इस तरह वध चढ़ के हिस्सा पाओगे। हुण भाई वीर रविंदर सिंह जी लुधियाणे वाले जो निष्काम सेवा करते हैं बहुत ही रस भिन्ना कीर्तन करते हैं और भिज के कीर्तन करते आप संगत को बेनती है कि हुण आपां इन्हां दे मुखार बिंद तो जिहड़ी आ कीर्तन सरवण करना। सो भाई वीर रविंदर सिंह जी ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी वाहे गुरु
धन बाबा अजीत सिंह जी धन धन बाबा अजीत सिंह जी धन धन बाबा अजीत सिंह जी धन धन बाबा जुझार 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 सिंह जी धन धन बाबा जोरावर 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 सिंह जी धन धन बाबा फतेह 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 सिंह जी धन धन माता गुजर कौर 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 जी धन धन मोती राम मेहरा 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 जी धन धन टोडर मल 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 जी धन गुरु प्यारे धन गुरु प्यारे धन गुरु प्यारे धन गुरु प्यारे धन धन मोती राम मेहरा जी 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 धन गुरु प्यारे धन गुरु प्यारे धन गुरु प्यारे धन गुरु प्यारे वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
पावन नाम तिया
जागो इस युग में, जागो हर रंग लागो इस युग में। वाहेगुरु
संग पुनीता देही संग पुनीता देही जन की तूर दे हो कृपा निद 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 नानक कै दुख ए नानक कै सुख एहि जन की तूर ते हो कृपा निद 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 तन तन मोती राम मेहरा जी 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 जन की तूर ते हो कृपा निद जन की तूर ते हो कृपा निद नानक कै सुख एही 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 चांको हर रंग लागो इस जुग में चांको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वस्तां कै आत्म जिने सगल वस्तां कै जांका सतगुर पूरा जांका सतगुर पूरा जांका सतगुर पूरा जांका सतगुर में जान तो हर रंग
लागो इस जुग में। सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। तन ओ गुरु के प्यारे लाल, जिन्हां नूं पता ते सी कि मेरे सारे परिवार नूं कोलू दे विच पीड़िया जाना है, पर इस दे बावजूद उन्हां ने गुरु के लालां प्रति अपना प्रेम दिखाया, गुरु घर नूं पिठ नहीं विखाई, गुरु के प्रेम दे विच निछावर हो गया सारा परिवार। तन गुरु के लाल मोती मेहरा जी, जिन्हों का जन्म 1 फरवरी 1677 ईस्वी नूं, पिता हरा राम जी दे घर, माता लद्दो जी की कुखों होया, तिन्हों का सारा परिवार हुकूमत दे घर सोइए का काम करता सी। लगभग 16 साल की उम्र दे विच गुरु के प्यारे लाल मोती राम बहरा जी भी रसोईये दे काम दे विच आ गए। जदों ठंडे बुर्ज दे विच गुरु के दोनों लालां नूं रख्या गया, उन्हां दी ओ हालत ते माता जी ने कहा कि आपां ये दुध नहीं छकना, क्योंकि ये मुगल हुकूमत दे घरों आया है। ते उन्हां दे घरों उन्हां दी सुपत्नी जी ने सारा अपना सोना तिन्हां नूं दे दिता। एक गुरु के करू घर दे प्यार दे विच अपनी एक एक चीज तन मन धन न्योछावर कर दिता, ते गुरु के लालां तक दुध पिलाया गया, गुरु के लालां प्रति अपना प्रेम नेहो जताया। ते उसका नतीजा की होया, जो उन्हां नूं पता सी कि वजीर खान नूं पता लगेगा, तो वजीर खान ने पूरे उन्हां दे लालां नूं, मोती राम मेहरा जी दे लालां नूं कोलू दे विच निचोड़ दिता, पूरा परिवार शहीद हो गया। पर उन्हां ने सी नहीं मनी, गुरु के भाणे नूं मिठा करके मनिया। एक गुरु के प्यार गुरु घर प्रति प्रेम दी निशानी कि अज किनका मात्र भी अपा गुरु घर प्रति ऐसा प्रेम है। अपा सिजदा करन आए हाँ, जिथे छोटे साहबजादियां नूं सिजदा करन आए हाँ, उत्थे तन तन मोती राम मेहरा जी नूं भी सिजदा करन आए हाँ, तन टोडर मल जी नूं भी सिजदा करन आए हाँ, जिन्हां ने अपना सरबंस गुरु घर लई वारिया। सतगुरु बख्शिश करन के ऐसा प्रेम किनका मात्र साडी झोली विच अज पा देन। जनकी तूर देहो किरपा निध, नानक कह सुख यही। पंथ रतन भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खालसा खन्ने वाले एक बचन राही संगतां नूं समझाउणा करदे सन कि गुरु के प्यारे लालो घर वापस आ जाओ। अज आपां शहादत दा दिहाड़ा मना रहे हां ना, जिथे छोटे साहबजादियां दी माता गुजर कौर जी दी, वड्डे साहबजादियां दी शहादत दा दिहाड़ा मना रहे हां, उत्थे आपां मोती राम मेहरा जी दी शहादत दा दिहाड़ा मना रहे हां। हे गुरु घर तो बेमुख होए प्यारियो, गुरु घर विच वापस आ जाओ। सतगुरु तुहानू अपने सीने नाल ला लैणगे, सतगुरु अपने गल दे नाल ला लैणगे। घर वापसी लहर पंथ रतन भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खालसा खन्ने वाले हर अपने दीवान दे विच घर वापसी लहर चलाउंदे सन। ते जो जो गुरु घर दे विच वापस आउंदा सी, जे कोई रोमां दी बेअदबी करदा है, अज तो प्रण कर रहे कि अज आपां शहादत दिहाड़ा मनाउण आए हां, अज तो बाद सतगुरु ये दस्तार नहीं लथेगी, ये रोमां दी बेअदबी नहीं होएगी, यही है असली शहादत दिहाड़े मनाने।
अज तो बाद प्रण कर लीए कि सतगुरु यह सीस चुकेगा ते आप जी के चरणों में चुकेगा। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी के चरणों जी यह सीस चुकेगा, किसे मड़िया मसाणा के अगे नहीं चुकेगा, किसे तबीतां के अगे नहीं चुकेगा, सिर्फ आप जी की बाणी नाल जुड़ांगे। घर वापस आ जाओ गुरु के प्यारे लालो, यही है शहादत दिहाड़े मनाने। सतगुरु ऐसी बख्शिश ऐसा प्रेम, आओ सारे मंग लीए, सारे मंग लिए, जिवें मोती राम मेहरा जी तिना दे परिवार ने सारिया ने गुरु घर प्रति प्रेम जताया। आओ सारे मंग लीए कि धन गुरु कलगीधर पातशाह, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, तुहाडे तो बिना होर साडा कोई नहीं। आओ सारे रल के मंगिए। ठाकुर ठाकुर तुझ बिन आहे ना मोरा, तुझ बिन आहे ना मोरा। ठाकुर ठाकुर तुझ बिन आहे ना मोरा, तुझ बिन आहे अनाथ निर्गुण गुण नाही। मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, तुझ बिन आहे न मोरा, तुझ बिन आहे न मोरा, तुझ बिन आहे न मोरा। तन गुरु गोबिंद सिंह साहेब, तन गुरु गोबिंद सिंह साहेब, तुझ बिन आहे न मोरा, 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 तुझ बिन आहे न मोरा। ठाकुर ठाकुर तुझ बिन आहे न मोरा, तुझ बिन आहे न मोरा। मोहे अनाथ निर
निर्गुण गुण नाही। मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही। मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही। मैं आहियो तुमरा तोरा। मैं आहियो तुमरा तोरा। मैं आहियो तुमरा तोरा। मैं आहियो तुमरा तोरा। ठाकुर पिता पाए सुत बंदप। मात पिता पाए सुत बंदप। मात पिता पाए सुत बंदप। तिनका पल है थोरा। तिनका बल है थोरा। अनिक रंग माया के पेखे। 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 साथ न चले तोरा। ठाकुर ठाकुर तुझ बिन आगे ना मोरा। तुझ बिन आगे ना मोरा। तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी। तुझ बिन आहे न मोरा। 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 गुण गुण नाहि। मैं आहियो तुमरा तोरा। मैं आहियो तुमरा तोरा।
बल चरण तुम्हारे बल 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 चरण तुम्हारे इहां उहां तुम्हारा जोरा इहां उहां तुम्हारा जोरा साथ संग नानक दर्श पायो साथ संग नानक दर्श पायो बिन सेओ सकल निहोरा बिन सेओ सकल निहोरा बिन सेओ सकल निहोरा बिन सेओ सकल निहोरा सतगुरु आप बख्श लैन आप संगत जी बख्श लैना हुईयां बेंत भुलां चुकां दी खिमा सतगुरु बख्शिश करन कि आपां सतगुरु नूं समर्पित हो जाइए उन्हां दे बन जाइए उह सानूं अपने गल नाल ला लैणगे सदी हर साडे हर ओगण नूं बख्श देणगे भुलां चुकां दी खिमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। होए सन भाई रविंदर सिंह जी जिन्हां ने संगतां नूं कीर्तन दे राहीं निहाल कीता है। कौमां ओह जहान ते जीउंदियां ने जिन्हां कौमां नूं मरने दा झल पै जाए अंत पैंदा है मुल कुरबानियां दा भावें अज पै जाए ते भावें कल पै जाए। कुरबानी चाहे शरीर दी होवे सवासां दी होवे पैसे दी होवे ये अजाई नहीं जांदी अमर हो जांदी है। सो अज उन्हां कुरबानियां दी बदौलत असी इत्थे जो निग मान रहे हैं ये महान कुरबानियां महान शहीदां दीआं जो कुरबानियां दित्तियां होईआं है उन्हां दा ही जिहड़ा मुख हिस्सा है कारण है। सो हुण साडे कोल बहुत ही साडे सत्कारयोग ज्ञानी चरणजीत सिंह जी जिन्हां नूं असीं बहुत सुणिया बहुत ही रस बिना कीर्तन करदे आ और कीर्तन दे नाल कथा दी भी उह बहुत ही सोझी रखदे आ। सो मैं आस करदा कि संगतां नूं उह गुर इतिहास दे नाल सफरे शहादत का जिहड़ा प्रोग्राम है उहनूं सफलतापूर्वक संगत भी पसंद करूगी और सफलतापूर्वक जिहड़ा सिरे चढ़ाउणगे ज्ञानी चरणजीत सिंह जी। आस करदा कि बाबा मोती राम मेहरा जी जिस स्थान ते आपां बैठे हाँ जिथे सरबंसदानी गुरु गोबिंद सिंह जी दे साहिबजादियां दे बारे आनंदपुर साहब तो लैके चमकौर साहब फतेहगढ़ साहब बाबा मोती राम मेहरा जी भाई टोडरमल जी समा चाहे थोड़ा है 10:30 11:30 बजे तक 2-4-5-10 मिनट जे इधर उधर हो जाता कोई गल नहीं विस्तार नाल थोड़ा दसन की जिहड़ी अपील आ भाई चरणजीत सिंह जी। वाहिगुरु सारी संगत फतेह गजाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा। पूरी संगत की आवाज नहीं आई जी जिनी संगत बैठी है फिर दोबारा फतेह गजाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨਾ ਦਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤਸਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ, ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਸ਼ਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ, ਮਨ ਕੋ ਪਾਵਤ ਕੀਨ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਨਾ, ਜਬ ਹਾਥ ਸਿੰਦੂਰਾ ਲੀਨ, ਮੋਏ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉਗੇ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ, ਮਤ ਘਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਗੈ, ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ, ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ, ਬੋਹਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਗੇ। ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਪੋ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, 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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਪੂਜਲੇ, 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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ।
सब तिस का सब सहते आधार जियो पिंड सब तिस का सब सहते आधार सब सहते आधार ओना नो सब जगत करे नमस्कार ओना नो सब जगत करे नमस्कार 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 ओना नो सब जगत करे नमस्कार ओ नानो सब जगत करे नमस्कार नानक गुरमुख सेविए सदा सदा दातार नानक गुरमुख सेविए सदा सदा दातार सदा सदा दातार ओ नानो सब जगत करे नमस्कार ओ नानो सब जगत करे नमस्कार ओ नाके मुख सद पूजले ओ नाके मुख सद उजले ओ नानो सब जगत करे नमस्कार ओ नानो सब जगत करे नमस्कार हो बलगारी तिन को जिन त्याया हर निरंकार हो बलगारी तिन को जिन त्याया हर निरंकार जिन त्याया हर निरंकार ओ नानो सब जगत करे नमस्कार ओ नानो सब जगत करे नमस्कार 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 ओ नानो सब जगत करे नमस्कार ओ नानो सब जगत करे नमस्कार वाहिगुरु जी गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ जो तो प्रेम के लड़का चाओ जो तो प्रेम के लड़का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ
गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तुरी जै सिर दी जै कान न की जै जो तो प्रेम के लड़का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ जो तो प्रेम कलन का चाओ जो तो प्रेम कलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ सूरमा अब जू जन को दाओ जो तो प्रेम के लड़का चाओ जो तो प्रेम के लड़का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ 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 गली मेरी आओ पहचानिए जो लरे दीन के गेत सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के गेत पुर्जा पुर्जा कट मरे कब गुण छाड़े खेत जो तो प्रेम के लड़का चाओ जो तो प्रेम के लड़का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ जो तो प्रेम के लड़का चाओ जो तो प्रेम के लड़का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ
गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ छठवास पहला मरण कबूल जीवन की छठवास हो सबना की रेन का तो आओ हमारे पास जो तो प्रेम के लड़का चाओ जो तो प्रेम के लड़का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ 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 गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कानन की जय इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कानन की जय जो तो प्रेम कलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ जो तो प्रेम कलन का चाओ जो तो प्रेम कलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ गली मेरी आओ आओ गली मेरी आओ वाहे गुरु जी प्यारी सत संगत आप सारे माई भाई बहुत वड्डियां पागां वाले को मैं अपने आप नू सचमुच बहुत वड्डियां पागां वाला समझदा हां क्योंकि भावें हर साल ही दर्शन करने वास्ते आईदा है बिच होर भी समा लगे दर्शन करने वास्ते आईदा है इस स्थान दे हमेशा ही दर्शन करी देगन पर अज मेरे सतगुरु ने ऐसी कृपा की है कीर्तन की सेवा महाराज ने ली है इसलिए मैं अपने आप को बहुत बड़िया भागों वाला समझदा हाँ कि महान शहीद तन तन बाबा मोती राम मेहरा जी जिन्ह ने बहुत बड़ी कुर्बानी दिती है सतसंगत तन 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 जने आया जिस प्रसाद सब जगत तराया ते तीन धन जने दी माओ आए सफल से मां लद्दो भी तन है जिस दी कुख विचू ऐसे महान शख्सियत ने जन्म लिया ओ पिता भाई हरा जी तन हन जिहड़े गुरु साहब के बड़े अनन सेवक सन सतसंगत आनंदपुर साहब कई बारे परिवार दर्शन कर मिले दर्शन करने वास्ते जाते सन गुरु साहब जी दे लंगर वास्ते रस्त पानी भी लैके जाना अज का जोड़ा दिन है ना 21 तरीक जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहब का किला छड़िया प्यारी सतसंगत उस तो पहला
ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਹਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਹਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਹਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੰਮ ਪੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 40 ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਹਿਲਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਹਨ, ਬੀਬੀ ਬੀਬੋ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਲਾਲਚੀ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਿਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਮਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਪਰਿਵਾਰ ਤੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਵੋ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਮੌਸਮ ਠੰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੇ ਸ਼ੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੰਗੂ ਦਾ
ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਨ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਨਰੈਣਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਈ ਨਰੈਣਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਕ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਰੈਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਭੋਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਲੱਦੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਸੰਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਲਾਲਚਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੇਲਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਕੜਕੜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੂਨ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਗਲਾਸ ਪੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
पर तुसी देखो ना जे वो चाहते इन मान लेंदे दुनिया का राज भाग ऐश प्रति सब कुछ मिल जाना सी उन्होंने जो मुंह तू मंगते मिल जाना सी पर उन्होंने आखिया नहीं सानू कुछ नहीं चाहिए भावे साडा तुंबा तुंबा कर दियो पर असी गुरु पातशाह जी दे परिवार की साहबजादे की सेवा करके असी कोई माड़ा काम नहीं किया पुन वाला काम किया इसलिए असी मर मुक जाना है साडा किसी ने नाम तक नहीं लेना पर यह स्थान जिहड़ा है सदा वास्ते कायम रहेगा रहिंदी दुनिया तक लोग इत्थे नतमस्तक होंदे रहणगे रहिंदी दुनिया तक लोग नमस्कार करते रहेंगे क्यों क्योंकि उन्हां दी बहुत वड्डी कुरबानी है। एक बेनती होर करां पंजां प्यारियां दे विचों अपने विरसे नूं संभालीए जी साडा विरसा बहुत वड्डा है बड़ा उच्चा है जिहड़े पंज प्यारे साहिबान सन हुण तां सानूं पंज प्यारे दा नां ही नहीं याद रहिंदे भाई हिम्मत सिंह जी भाई हिम्मत सिंह जी रिश्ते वजों भाई साहब भाई मोती राम महाराज जी के चाचा जी सन उन्होंने चाचा जी सन सानू कितना वड्डा मान प्राप्त होया है कि वह भाई हिम्मत सिंह जी जिहड़े भाई साहब जी के चाचा जी सन वह भी शहीद होए हैं चमकौर साहब की गड़ी अंदर उन्होंने भरा भी शहीद उन्होंने पुत्र भी शहीद भाई हरा सिंह जी भरा हैं वह शहीद तो भाई हरा सिंह का सारा परिवार शहीद सतसंगत शहीद की मौत सब तो उत्तम परम मौत गिनी जाती है क्योंकि कोई निशाना होंदा है जा मर जाना है जा मार देना है इसलिए उहदे वास्ते सदा वास्ते सचखंड के दरवाजे खुले रहिंदे ने शहीद की जिहड़ी मौत है परम मौत है सर्वोत्तम मौत है इस तों होर कोई वधिया मौत नहीं हो सकती क्योंकि जे कोई इस तरह मरदा है उहदा ध्यान किसी पासे जा सकता है पर शहीद का ध्यान जिहड़ा है केवल एक अकाल पुरख के चरणों में हुंदा है इसलिए उस महान योधे महान सुरमे भाई साहब भाई मोती राम मेहरा जी जिन्हों की आप मिठी प्यारी याद च बैठेगा अज समा मंग करदा असी जरूर जिथे आएगा इतों नाल इतिहास लैके जाइए तो अपने बच्चों नू अपने परिवार नू यह इतिहास सुनाइए कि जिथे गुरु पातशाह जी के प्यारे साहबजादे शहीद होए ते उन्हां दे सिखां ने भी बहुत कुर्बानियां दित्तियां हन अपना सारा परिवार ही उन्होंने गुरु नूं समर्पित कर दिता है। आओ सतसंगत गुरु साहब जी का बड़ा प्यारा वचन है कीर्तन रागी सारे मिलकर पढ़ियो क्योंकि समा जिहड़ा मेरा केवल 12 मिनट रह गया है। एक शब्द सारे आपां मिलकर पढ़ांगे जी मेरे नाल नाल तुसीं सारे हाजरी लवायो। गुरु साहब का वचन है सतगुरु आगै सीस भेट देवो जे सतगुरु सच है भाव है सतगुरु नूं अपना सीस भेट कर देना है। असी आनंद साहब जी पढ़ते हाँ ऐसा सतगुरु जे मिले किसनों सिर सौंपी है विचों आप जाए अपना आप समर्पित कर देना जी ते अपना सीस भेट करन दा की भाव हुंदा है अपना आप समर्पित कर देना गुरु का हुक्म जिहड़ा कि उहनूं पले बन लेना गुरु की सिक्ख्या गुरु की विचारधारा हिरदे विच बसा लेना यह है अपना आप गुरु नूं समर्पित कर देना। मेरे नाल सारे मिलके शब्द पढ़िए फिर आप समाप्ति करेंगे कोई रस्सा ना वांझी ना रहे सारे मिलके लो हाजरी सतगुरु आग्या सीस भेट देवो सतगुरु आग्या सीस भेट देवो जपो सतगुरु सीस भेट दे जे सतगुर साचे पावे जे सतगुर साचे पावे जे सतगुर साचे पावे जे सतगुर साचे पावे सतगुर आगे सीस भेट देवो सतगुर आगे सीस भेट देवो
गुरपरस हम लोगो मिल कंचन हो आराम ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम जे सतगुर साचे पावे जे सतगुर साचे पावे जे सतगुर साचे पावे जे सतगुर साचे पावे सतगुर आगे शीस फेट देवो सतगुर आगे शीस फेट देवो जे सतगुर साचे पावे जे सतगुर साचे पावे जे सतगुर साचे पावे जे सतगुर साचे पावे सतगुर आगे शीस फेट देवो सतगुर आगे शीस फेट देवो सास गिरास विसारिए काया गढ़ सोया मेरे प्रभु मो गया क्यों सास गिरास विसारिए अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी ओ सतगुर के बलगारिया जे सतगुर साचे पावे जे सतगुर साचे पावे जे सतगुर साचे पावे जे सतगुर साचे पावे सतगुर आगे शीस फेट देवो सतगुर आगे शीस फेट देवो जे सतगुर साचे पावे जे सतगुर साचे पावे जे सतगुर साचे पावे ये सतगुर साच पावे सतगुर आगे शीस फेट देवो सतगुर आगे शीस फेट देवो नानक अंक सुमावे आपे दया करो प्रभु दाते नानक अंक सुमावे जे सतगुर साचे पावे जे सतगुर साचे पावे जे सतगुर साचे पावे जे सतगुर साचे पावे सतगुर आगे शीस फेट देवो
सतगुरु आगे शीस भेट देवो। जे सतगुरु साच पावे, जे सतगुरु साच पावे, जे सतगुरु साच पावे, जे सतगुरु साच पावे, सतगुरु आगे शीस भेट देवो। शीस भेट देवो, 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 शीस भेट देवो। जे सतगुरु साच पावे, जे सतगुरु साच पावे, जे सतगुरु साच पावे, जे सतगुरु साच पावे, सतगुरु आगे शीस भेट देवो। सतगुरु आगे शीस भेट देवो। वाहे गुरु जी। दो तीन मिनट में एक शब्द पढ़ना जी। सारिया ने जकारिया की गुंजूज एन जकारिया का जवाब दिंदा हो गूंजा पा देनिया हन। कोई रसना बांझी ना रहे, फिर आपां नाल गिंदन साहब जी का पढ़ करके समाप्ति करांगे। खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो काल परमात्म की मौज, परमात्म की मौज, प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज, परमात्म की मौज, प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज, परमात्म की मौज। बोले अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, जब लग खालसा रहे नारा रहे नारा, तब लग तेज दियूं मैं सारा, दियूं मैं सारा, तब लग तेज दियूं मैं सारा, दियूं मैं सारा। बोले सोने खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, जब यह गए विपरन की रीत, विपरन की मैं ना करूं इनकी प्रतीत, इनकी प्रतीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत, इनकी प्रतीत। बोले सोने खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। अखीर ते दास पांच जकारे गजाएगा जी। तू सारे गज बज के बोलना है, फिर समाप्ति है। प्रगटियो काल परमात्म की मौज, परमात्म की मौज, प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज, परमात्म की मौज, प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज, परमात्म की मौज। बोले सोने बोले सोने
अखीरला जकारा सारे बोलो जी बोले धन्यवाद धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का मेरे वड्डे वीर भाई निर्मल सिंह जी ते भाई बलदेव सिंह जी जो मेरे नाल बहुत प्यार करते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय तो जो भी कोई प्रोग्राम होंदा है ये मैं जरूर याद करते हैं तो मेरे को यह सेवा लेंदे ने गुरु कृपा करे गुरु बख्शिश करे इन्हों महाराज चढ़दियां कलां बख्शन तंदुरुस्तियां बख्शन इसे तरह की जो कौम की सेवा करते रहन जिथे इस स्थान की बहुत वड्डी सेवा निभा रहे हन उत्थे लुधियाने विच बहुत वधिया स्कूल चल रहा है जो बहुत जरूरी है बहुत लाजमी है एजुकेशन वल ध्यान देना तो इन्हां वीरां दा बहुत धन्यवाद है गुरु कृपा करे गुरु बख्शिश करे इसे तरह की महाराज इन्हां कोलों सेवा लैंदे रहन समा जिहड़ा है वह समाप्त हो गया है आओ सारे मिलके आनंद साहब जी का पाठ करिए जी उपरंत अरदास होवेगी राम कली मैला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज से ती मन वजियां वाराया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दो तगावो गई केरा मन जिनी वसाया कह गए नानक आनंद गोवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा तू सदा रहो हर नाले प्रणाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह है नानक मन मेरे करहु हर नाले साचे सागे बा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलागा तेरे नाम मन बसावे नाम जिनके मन बसया वाचे शब्द करे कह गए नानक सच्चे साज क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाया हर शांत सुख मन आय वसया जिन इच्छा सब पुजाया सदा कुर्बान किता गुरु मेरो जिस दिया एह वडियाया कह गए नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुपा गए शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुदवास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जन को से नाम घर के लागे कह गए नानक ता सुख होवा तित कर अनवदवा आनंद सुनो बड़ पागी वो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संतापी उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनित कहते सतगुरु रहेगा पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लाग वाजे अनवद तू रे सुनते पुनित कहते सतगुरु रहेगा
भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे चरण लागे गुर चरण लागे बाजे अनवद तूरे आनंद सुनो बड़ पागी हो वाहे गुरु जी। बाणी पढ़दे आ विचारां कर Oh.